वेलकम टू माय आर्ट्स एंड हाउस व्यूअर्स, मैं हूं आर्किटेक्ट शांतनु। आज का हाउस प्लान 29 फीट 8.8 मीटर, इस तरफ 29 फीट, डेप्थ 23 फीट एट मीन्स 7 मीटर। मेनली आज का हाउस प्लान साउथ फेसिंग, इस तरफ हमें 23 फीट 7 मीटर। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं, इसका डिटेल्स हम डिस्कशन करते हैं। टोटल फ्लोर एरिया 660 स्क्वायर फीट का हाउस डिजाइन है। और व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए हमें टोटल जो अमाउंट का ज़रूरत होगा वो है 8 लाख। सो 8 लाख में हमने एक बढ़िया सा आज का लग्जरियस 2 बेडरूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले इसका वॉल क्रिएट करते हैं, वॉल को हम हाईलाइट कर लेते हैं रेड कलर से, जिसमें कि हमें थोड़ा सा प्लान को क्लियर समझ में आ जाए। रेड कलर जो है, ये हमारा वॉल है, इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल 5 इंच का है, 125 mm का है। ये लग्जरियस हाउस प्लान, जिसमें कि हमारा जो बेडरूम है काफ़ी बड़ा है, डाइनिंग अलग से है, ड्राइंग भी अलग से है। सो एट फर्स्ट हम चलेंगे, साउथ फेसिंग हाउस प्लान है। मेन गेट एंट्रेंस 4 फीट का है, ये मेनली साउथ फेसिंग प्लान है, वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। ये पहला ही है जो हमारा लिविंग रूम, और जिसका साइज 11 फीट 3 इंच लंबाई में, एक्सक्लूडिंग स्टेयर अलग से है, और चौड़ाई में इस तरफ हमें मिल जाएगा टोटल 7 फीट 3 इंच का है, जहाँ पे हमने 3 सीटर और 3 सीटर एल शेप में सोफ़ा प्रोवाइड किया हूँ, और एक टेबल और कॉर्नर में एक प्लांट, और उसका ऑपोजिट साइड में हमने एक टीवी यूनिट यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, मतलब कर सकते हैं हम लग्जरिया से। और उसके साइड में हमने एक स्टेयर प्रोवाइड करेंगे, ये स्टेयर है 2 फीट 6 इंच का चौड़ाई में, और जो ट्रेड होगा ये हमारा 10 इंच का है, राइजर 6 इंच, बहुत ही कम्फर्टेबल स्टेयर है। अब इस जगह को, लिविंग एरिया को डबल हाइट भी बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको देखेंगे। इसका जो डबल हाइट है, मेनली जो फ्लोर एक होगा वो डक्ट के तरह रहेगा, यहाँ पे इस तरफ हमें स्टेयर में चढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पैसेज दिया गया है, मिनिमम साइज 3 फीट 4 इंच होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो बढ़िया है। नेक्स्ट हम चलेंगे जो बेडरूम है, फ्रंट में दिया गया है, ये बेडरूम का साइज हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो हाउस प्लान है, सिंगल फ्लोर 2D हाउस प्लान है। पहला वाला बेडरूम है 10 फीट चौड़ाई में है, और लंबाई में यहाँ से ये 12 फीट है, टोटल 120 स्क्वायर फीट का बेडरूम है। और उसके साथ हमने अटैच टॉयलेट रखा हूँ, जिसका डोर 2 फीट 6 इंच का है, और टॉयलेट का जो साइज है 7 फीट बाई, चौड़ाई में हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 फीट 7 इंच, ये अटैच टॉयलेट है। और इस बेडरूम के साथ एक बैल्कोनी भी दे के रखा हूँ, ये ओपन एयर सर्कुलेशन के लिए, 4 फीट 9 इंच का लंबाई है, चौड़ाई सेम है 3 फीट 9 इंच का है। सो इसलिए हम इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम कहेंगे, इसमें ऑल चीज़ मतलब फैसिलिटीज़ है, हमारा अटैच टॉयलेट है, बेडरूम भी है, मतलब बैल्कोनी भी है। सो अब चलेंगे जो हमारा एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है, सभी के लिए हम दिए हैं, और जिसका साइज 6 फीट 7 इंच लंबाई में, और चौड़ाई में 4 फीट का है। ओके, इस टॉयलेट का फ्रंट में हम एक वॉश बेसिन यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं। ओके,
दिस पोर्शन में, इस पोर्शन में हम एक वॉश बेसिन प्रोवाइड करेंगे। व्यूअर्स, ये एक शानदार लग्जरियस हाउस प्लांट है और इसको बनाने के लिए टोटल 8 लाख का ज़रूरत होगा। अगर आप लोगों को हाउस डिजाइन बनाना होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिन है और फिर हम चलेंगे, हम किचन टॉयलेट के जस्ट पीछे हमें किचन बनाया हूँ और किचन के साथ हमने किचन स्लाब और फ्रिज रखने का भी जगह रखा हूँ। किचन का जो साइज है ये 8 फीट 7 इंच, लंबाई में चौड़ाई में 5 फीट 4 इंच, एक विंडो दिया हूँ 3 फीट का, 3 फीट बाई 3 फीट का। और किचन के साथ ही हम यहाँ पे डाइनिंग अटैच्ड किया हूँ अलग सा, जहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। ये ड्राइंग कम डाइनिंग, बट यहाँ पे हम ओनली डाइनिंग के पर्पस में यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम और एक सेकेंडरी गेट आराम से भी दे सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे नहीं दिया हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हैं, जिसका चौड़ाई 8 फीट 9 इंच बाई, इस तरफ हमें काफ़ी अच्छा जगह मिल जाएगा जो कि 9 फीट 9 इंच का है। नेक्स्ट हम जो बेडरूम 2 दिया गया है उसमें हम डिस्कस करेंगे, और उसका पहले ही हमने डोर जो है, डोर हम देखेंगे कितना साइज का होगा। मिनिमम जो साइज है 3 फीट 4 इंच का है, बट 9 इंच है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अगर कॉलम वगैरह बैठाना होगा तो 5 इंच कट जाएगा। सो इसमें हमने 2 विंडो प्रोवाइड किया हूँ, साथ में जो इसका साइज है ये 10 फीट बाई, इस तरफ हमें मिलेगा 12 फीट है, ये भी 120 स्क्वायर फीट का बेडरूम है। सो व्यूअर्स, इतना हाउस डिजाइन है। व्यूअर्स कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।